देखिए, ये जो मौक़िफ़ ख़्वाह कितना ही अच्छा हो और कितना ही कन्विंसिंग हो, वक्त के साथ कुछ उसकी फटीग पैदा हो जाती है और एक बार सुन सुन के एक ही बात लोग फिर उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, वो जिसे इम्यूनिटी कहते हैं ना, वो डेवलप हो जाती है। तो ये मौक़िफ़ तो जो हमारा हिस्टोरिकली है, बुनियादी तौर पर जो हमारा कानूनी मौक़िफ़ है, वही दुरुस्त है, लेकिन वक्त के साथ उसको बयान करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, होते हैं, वो हमने इतने इख्तियार नहीं किए और हम बिल्कुल वही एक लगी बंधे वही अल्फाज में वही बातें कहते रहे हैं। तो वो अब सुन सुन के लोग अब उसकी तरफ ज़्यादा कान नहीं धरते, ख्वाब हमारे मुल्क के लोग हों, ख्वाब बैन अल-अक़वामी तौर पर हों। और वक्त के साथ कुछ नए मसाइल ऐसे पैदा होते हैं जिनकी तरफ लोगों की ज़्यादा तवज्जो होती है। मसलन जब ये मसला था पैदा हुआ था 1947 में 48 में, तो उस वक्त इंसानी हकूक़ का मामला इतना फैशनेबल नहीं था, लेकिन अब इंसानी हकूक़ का मामला बहुत फैशनेबल है और बहुत लोगों की तवज्जो उस तरफ है, बहुत से इदारे हैं, बहुत सी तनजीमें हैं जो इसकी तरफ तवज्जो देती हैं। तो अब मेरे ख़्याल में इंसानी हकूक़ का जो मामला है वो भी बहुत रेलेवेंट है। तो अब मेरे ख़्याल में कश्मीर के बारे में जब भी कोई बयानियाँ पेश किया जाएगा तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमें वक्फ करना चाहिए इंसानी हकूक़ के नुक्ता नज़र से, कि कश्मीर के रहने वालों के इंसानी हकूक़ कितने पामाल हो रहे हैं। और फिर शायद बयानिए से ज़्यादा एक और चीज़ भी है जिसकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है, वो ये है कि कश्मीर का एक हिस्सा, निस्बतन छोटा हिस्सा, पाकिस्तान भी एडमिनिस्टर करता है। तो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी वक्त के साथ साथ कुछ इस्लाहात की ज़रूरत है। वहाँ के लोगों की कुछ थोड़े से दिनों की बात हो, एक दो साल, पाँच साल, दस साल, तो लोग उसको इंटरिम अरेंजमेंट को तस्लीम करते हैं, लेकिन जब 70 साल गुजर जाएं तो फिर वो इंटरिम अरेंजमेंट जो है वो मेरे ख़्याल में डूएबल नहीं होता। तो इसलिए अब कश्मीर के लोग ये समझते हैं कि भाई हमें हम और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम पाकिस्तान का हिस्सा ही हैं, तो उसके लिए हमें पाकिस्तान की कौमी असम्बली, पाकिस्तान की सेनेट, पाकिस्तान के दीगर इदारे, उनके अंदर भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो ये सारी बातें हैं जिस पर गौर करनी चाहिए कि हमारी जो कानूनी पोजीशन है बैन अल-अक़वामी कानून के तहत, वो भी कमज़ोर ना हो, तो उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए और उसके भी रास्ता निकालना चाहिए। और मसला कश्मीर जो असल में है उसके बयानिए को भी नए अंदाज में पेश करने की ज़रूरत तो बहरहाल है। देखिए, इलेक्शंस तो किसी भी सिस्टम में जिसके अंदर वो इलेक्शन हो रहे होते हैं उसी को ही तकवीर देने का बायस बनते हैं। और इलेक्शंस जो होते हैं उनकी एक महदूद सी फ़ायदा होता है कि लोगों के अपने जो उस वक्त मकामी मसाइल होते हैं, वक्ती मसाइल होते हैं, उनको एड्रेस करना होता है। तो हम बाज़कात जब कभी वहाँ इलेक्शंस में टर्नआउट ज़्यादा होता है तो हम बाज़कात डिसार्ट भी होते हैं और सोचते हैं कि ये शायद लोग अब कश्मीर की आज़ादी या कश्मीर के स्टेटस को चेंज करने के बारे में इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं। लेकिन वजह ये नहीं होती, इलेक्शन में हिस्सा लेने के वजूहात कुछ और होती हैं। वो अपने मकामी वक्ती मसाइल को एड्रेस करना चाहते हैं, उनकी जो आइडियोलॉजिकल स्टैंडिंग है वो ज़रूरी नहीं कि उससे मुतासर हो रही हो। तो इसलिए इलेक्शन की तो अपनी एक अहमियत है और वो अहमियत महदूद है, लेकिन जिस मसले के हवाले से हम बात कर रहे हैं उस मसले के हवाले से तो जद्दोजहद जो है वो इलेक्शन से ज़रा बढ़ के होनी चाहिए और वो है और हो रही है। लेकिन इलेक्शन का इंस्ट्रूमेंट जो है वो अपना एक अहमियत रखता है, तो इलेक्शन के इंस्ट्रूमेंट को भी इस काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो जो पार्टियाँ, वो तनजीमें, वो लोग जो इस मौक़िफ़ को लेके आगे जाना चाहते हैं वो एक्टिवेट रहें, लोगों के साथ राबता रहे, लोगों के साथ मामला रहे। आपको शायद पता नहीं इल्म ना हो, लेकिन एक ज़माने में जमात इस्लामी जब इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती थी शुरू में, लेकिन वो हिस्सा लेने के लिए जो दलील उसने दी मौलाना मौदूदी ने, वो ये थी कि हम लोगों के साथ एक एसोसिएट होना चाहते हैं और लोगों को साथ लेके उनको एक अपने
मौक़िफ़ की तरफ कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस्लाम का निज़ाम लाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इलेक्शन में हिस्सा लें ताकि उनके साथ एसोसिएट हों। तो जिन लोगों ने कश्मीर के मौक़िफ़ को लेके आगे चलना है उनके लिए इलेक्शन एक हतमी चीज़ हल तो नहीं है लेकिन एक बहुत लाजमी इंस्ट्रूमेंट है उस तरफ आगे बढ़ने का।